Good afternoon. Myself Dr. Sonalika Singh, Department of Zoology, Maheshwari Girls PG College, Pratapnagar, Jaipur. Today we will discuss about invertebrate. You know what are invertebrates? बैकबोन या वर्टिकल कॉलम होती है। इनवर्टिब्रेटा को अगर हम डिवाइड करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले फाइलम पॉलीफेरा। पॉलीफेरा के अंदर हमको पता है उससे पहले प्रोटोजोन्स आते हैं, वो तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, लेकिन फाइलम पॉलीफेरा जो होते हैं फोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर फोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, फोर तो बियर करते ही हैं, इसके अलावा बॉडी के ऊपर फोर तो इनके होते ही हैं, स्पॉन्जेस इसका एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा क्या चीज़ होती है इनके अंदर, कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है इसके अंदर। स्पॉन्जेस के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम के अंदर दो तरीके की कैनाल सिस्टम होता है, एस्पॉन टाइप ऑफ, न्यूकॉन टाइप ऑफ एंड साइकॉन टाइप ऑफ। सबसे जो बेसिक कैनाल सिस्टम होता है वो एस्पॉन, फिर उसके बाद में न्यूकॉन, उसके बाद में साइकॉन, और उसके बाद में फिर फर्दर मोर इनको और रिविजन किया जाता है इनका। देन सेकेंड है आपका नीड एरिया। नीड एरिया के अंदर आपके जानी पर जाते हैं वो आते हैं सिलेंड्रेट्स के अंदर। सिलेंड्रेट्स को बोला जाता है क्योंकि इसमें सिलोम होती है ना, सिलोमी कैविटी होती है इसके अंदर। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इनका होता है इसके अंदर नेमेटोसिस्ट पाई जाती है, दंश कोशिका इसको बोला जाता है। नेमेटोसिस्ट जो होती है ये क्या होती है, पॉइजनस प्लांट होती है, जो कि जब भी इनको एनिमल टच करता है कोई भी पानी के अंदर, इनको अगर कोई एनिमल टच करता है तो ये अपना एक सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, जिसको इसलिए इसको दंश कोशिका बोला जाता है, और पॉइजन को सीक्रेशन करती है, इसलिए इनको ये जो प्लांट होती हैं तो प्लांट इज नोन एज नेमेटोसिस्ट। देन आपका है पेटी हेलमेंथिस। पेटी हेलमेंथिस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं आपको पता है, बायोलिटरली सिमेट्री होती है, इनकी मेसोडर्म प्लेटफॉर्म कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर होता है। इसमें आपके आते हैं प्लेटफॉर्म्स, टैपफॉर्म्स एंड फ्लूक्स, ये आते हैं प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर। देन इसके बाद में आपका है निमोटोडा, सॉरी एनिलीडा। एनिलीडा को अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको पता है एनिलीडा के अंदर होता है आपका पॉलीलीडा, ऑलिगोलीडा, और थर्ड है आपका क्रिप्टोनेरिया। पॉलीकिड्स के अंदर वॉर्म्स आते हैं, आपके ऑलिगोकिड्स के अंदर भी वॉर्म्स आते हैं, यूमिलिया के अंदर लीचेस आती हैं। लीचेस क्या काम करती है, जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं ना, ये सारा काम करती है लीचेस। इसको क्या बोला जाता है, सिंपी बोरस भी बोला जाता है, जो कि ब्लड सक करने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं सिंपी बोरस। ठीक है, देन है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा आपको पता है कि किस तरह के एनिमल्स ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ऑर्थोपोडा के अंदर एनिमल्स आते हैं जिसमें जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं, बॉडी जो होती है इनमें जॉइंट अपेंडिजेस
ये है आपका आर्थ्रोपोडा के बारे में। उसके बाद में मॉलस्क की अपन बात करते हैं। मॉलस्क क्या होते हैं जनरली, अगर मॉलस्क की अगर हम बात करें तो मॉलस्क होते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, को मॉलस्क की कैटेगरी में रखा गया है। मॉलस्क जो होते हैं वो आपके एरियल टेरेस्ट्रियल के होते हैं, क्योंकि नदी नालों तो पाई जाती है। इसके अलावा जो समुद्र का जो बॉर्डर होता है जहाँ पर रेती का इलाका होता है वहाँ पर भी मॉलस्क पाए जाते हैं। मॉलस्क जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल को बोला जाता है, को मॉलस्क की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि यूलियम, पायला, सीपिया, टॉलिगो, ठीक है, इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, इसके अंदर हार्ड कवरिंग नहीं होती। लेकिन यूलियम, पायला और ये जो होते हैं, सीपिया में भी हार्ड की कवरिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हार्ड कवरिंग होती है, शेल पाई जाती है इनके अंदर, इसलिए इनको मॉलस्क को सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। लेकिन इसके अंदर इनको प्रोटेक्शन के लिए एनिमल इनको टच करता है तो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में दिक्कत आती है। प्रे जब इनको टच करता है तो उसकी से बचने के लिए इनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग की वजह से क्या होता है कि जब भी एनिमल इनको प्रे जब भी इनको कैच करने के लिए आता है तो उसको ऐसा फील होता है कि ये तो कोई स्टोन रखा हुआ है, क्योंकि हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग जो होती है ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की भी होती है और एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्शियम की भी इसके अंदर हार्ड कवरिंग पाई जाती है। पानी के अंदर कई बार तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी हार्ड कवरिंग बनती रहती है। लेकिन इन केस पानी के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है तो इसकी ये जो कवरिंग है इसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्शियम की भी कवरिंग इसके अंदर बन जाती है। और लॉलीगो सीपिया है इनके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनके पास में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स होने की वजह से इनकी कोई भी हार्ड कवरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और आपका यूनियो पायला जो है इनके अंदर जो फुट होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव भी नहीं कर पाते, इनका जो फुट होता है वो ट्राइंगुलर फुट होता है। ट्राइंगुलर फुट होने की वजह से क्या होता है कि पैडी लुक होता है इनका, पैडी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुशनिंग होती है इनकी फुट में पूरी, तो इस वजह से ये क्या करते हैं ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। देन इसके बाद में अपना था मॉलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा सबसे बड़ा फाइलम है ये, काफ़ी एनिमल इसके अंदर आते हैं, बहुत ब्रिटल स्टार और काफ़ी ब्यूटीफुल नेचुरली ब्यूटीफुल एनिमल इसके अंदर आते हैं। और सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो मरीन एनिमल्स होते हैं, कोई भी इसके अंदर ऐसा एनिमल नहीं होता जो टेरेस्ट्रियल हो या एरियल हो। सारे के सारे जो इकाइनोडर्मेट्स हैं वो कौन होते हैं, मरीन होते हैं, मरीन एनिमल्स हैं। अब इसके अंदर आपकी स्टार फिशेज भी आती हैं, सी अर्चिन भी आता है, गोनोथोरिया भी आता है, इसको सी का कपर बोला जाता है, और भी आपके ब्रिटिश स्टार्स भी होते हैं काफ़ी, वो इसके अंदर आते हैं। इनकी आपकी लावर फॉर्म्स भी होती हैं, हम नेक्स्ट अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे कि लावर स्टेजेस क्या होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस जब एनिमल के अंदर होती है तो कुछ स्टेजेस तो उनको बोला जाता है लार्वा। जब एनिमल का रिप्रोडक्शन जब होता है डायरेक्ट नहीं होता, कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होता है तो उनको लार्वल स्टेजेस बोला जाता है। जैसे अगर अपन फेशियल एमिटिका की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले स्पोरोसिस लार्वा बनता है, फिर पारिसिनियल लार्वा बनता है, देन आपका रेडियल लार्वा, देन सबटेरियल लार्वा, देन इंटरसबटेरियल लार्वा, इस तरीके से लार्वाज का फॉर्मेशन होता रहता है। ऐसे ही स्टारफिश की अगर अपन बात करें तो स्टारफिश के अंदर बाइपिनेरिया लार्वा होता है, आपका होलोथीरिया की बात करें तो उसके अंदर ऑरियोक्युलेरिया लार्वा होता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसके अंदर आपके इकाइनोप्लूटिस लार्वा होता है, ओफिप्लूटिस लार्वा होता है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इनके लार्वल स्टेजेस कौन सी होती है इन एनिमल्स की लार्वल स्टेजेस, या फिर इनके ही आगे जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ाई करेंगे। होप आपको लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, और भी कोई अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू वेरी मच, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज यू कैन, थैंक यू।